क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे लंबा टनल कैसे बनाया गया और इस टनल को बनाने में कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा? चलिए ये सब जानते हैं आज के इस वीडियो में। ये टनल जो आप देख रहे हैं ये कोई मामूली टनल नहीं, बल्कि ये समंदर के नीचे से गुजरने वाला दुनिया का सबसे बड़ा टनल है। समंदर के बॉटम से भी 250 फीट नीचे बना ये 50 किलोमीटर लंबा टनल वो मेगा प्रोजेक्ट है जिसको इंजीनियर दुनिया का सातवां अजूबा कहते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह इसकी कंस्ट्रक्शन है। 13,000 वर्कर्स का एक साथ इंतहाई मुश्किल हालात में काम करना और जमीन के ऐसे हिस्से में खुदाई करना जिसके ऊपर पूरे समंदर का वजन पड़ रहा हो। एक छोटी सी भी गलती इस टनल को पानी से भरकर इंसान और मशीन दोनों को हमेशा हमेशा के लिए दफन कर सकती है, और वो भी सिर्फ चंद सेकंड्स में। करीब 13,000 साल पहले आखिरी आइस एज जब खत्म हो रही थी तो उसने आज के इंग्लैंड और यूरोप को एक दूसरे से अलग कर दिया था। इनकी सेपरेशन की वजह बना समंदर का ये हिस्सा जिसको आज इंग्लिश चैनल कहा जाता है। वैसे तो ये चैनल काफी फैला हुआ है लेकिन इस पॉइंट पे आकर ये काफी नैरो हो जाता है, और यहीं पर इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे से 33 किलोमीटर से दूर होते हैं। हिस्ट्री में कई बार इस दूरी को खत्म करने की कोशिश की जा चुकी है लेकिन ये एक्सपेरिमेंट कई जाने गंवाने के बाद बंद कर दिए गए थे क्योंकि शायद तब टेक्नोलॉजी बहुत लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन 20वीं सदी के आखिर में जब टेक्नोलॉजी आगे की तरफ कदम बढ़ा रही थी तब एक बार फिर से इंग्लैंड और फ्रांस को आपस में जमीनी कनेक्शन से जोड़ने के बारे में सोचा गया। ये 1980 का दौर था जब बड़ी से बड़ी मशीनरी बनाना भी पॉसिबल था। मशीन के अलावा एक और चैलेंज भी था और वो था इंग्लैंड को मनाना। जी हाँ, इंग्लिश चैनल के ठंडे पानी ने हमेशा इंग्लैंड को दुश्मनों पर भारी हाथ दिया है। नेपोलियन से लेकर हिटलर तक इंग्लैंड के कई दुश्मनों ने इस पर कब्जा करने का प्लान बनाया लेकिन वो इंग्लिश चैनल की सख्त कंडीशंस ही थी जिसने इंग्लैंड का पलड़ा हमेशा भारी रखा। वर्ल्ड वॉर टू में हिटलर ने तो फ्रांस के कैलेनोमी गांव से एक अंडर वाटर टनल खोदने का सीक्रेट प्रोजेक्ट भी लॉन्च किया था ताकि इंग्लैंड पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये प्रोजेक्ट कभी शुरू नहीं हो सका। हिटलर के मरने और वर्ल्ड वॉर टू के बाद यूरोप में बहुत तब्दीली आना शुरू हो गई। बिजनेस बूम करने लगा और हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली थी। फ्रांस और इंग्लैंड जो कभी दुश्मन थे उन्होंने इंग्लिश चैनल के जरिए ट्रेड करना शुरू कर दिया। वक्त गुजरता गया और 1986 में इन दोनों देशों ने डिसाइड किया कि अब इस रुकावट को हटाकर इंग्लैंड को यूरोप के साथ कनेक्ट कर दिया जाए। इंग्लैंड में इस डिसीजन पर काफी प्रोटेस्ट हुए क्योंकि कई लोगों को इंग्लैंड की इस आइलैंड सल्तनत पर बहुत फक्र था। कई महीनों की लंबी टॉक्स के बाद दोनों देशों ने फाइनली एक अंडर सी टनल बनाने का एग्रीमेंट कर लिया। इसको चैनल टनल का नाम दिया गया जिसको अक्सर लोग यूरो टनल भी कहते हैं। एग्रीमेंट में ये तय पाया था कि इंग्लैंड और फ्रांस की टीम अपनी अपनी साइड से टनल खोदेंगे और दोनों टनल्स सेंटर पॉइंट पे आकर कनेक्ट होंगे। ये प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले ही एक बहुत बड़ा फेलियर लग रहा था। समंदर के नीचे करीब 38 किलोमीटर लंबा टनल बनाना ये कोई ऐसा टास्क नहीं था जिसको कोई एक इंजीनियरिंग फर्म बनाने की हिम्मत करती। आखिरकार ये तय पाया कि 10 इंजीनियरिंग फर्म्स इस प्रोजेक्ट को एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके कंस्ट्रक्ट करेंगे। चैनल टनल का डिजाइन बनने से पहले ये जानना जरूरी था कि टनल में कौन सी ट्रांसपोर्ट चलेगी और ये शुरू कहाँ से होगा और खत्म कहाँ पर। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से यह तय पाया कि टोटल 3 टनल्स बनाए जाएंगे जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस के दरमियान रेलवे लूप चलेगा। इसका एक टर्मिनल फ्रांस के शहर केले जबकि इंग्लैंड में फॉक्सटोन पर दूसरा टर्मिनल होगा। टनल की टोटल लंबाई 56 किलोमीटर होगी जिसमें से समंदर के नीचे वाला पार्ट 38 किलोमीटर लंबा होगा। साल 1986 में जाकर फाइनली चैनल टनल की कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी गई। सबसे बड़ा मसला जो इंजीनियरिंग टीम को फेस करना था वो था टनल बोरिंग मशीन का जिसको TBM भी कहा जाता है क्योंकि आज से पहले ऐसा कोई प्रोजेक्ट ही नहीं बना था। इसी वजह से इस खास डायमीटर का TBM भी अवेलेबल नहीं था। पहले इस TBM मशीन को स्क्रैच से बनाना पड़ेगा। हजारों मील दूर सिएटल वॉशिंगटन में इस खास टनलिंग मशीन को बनाने का काम रॉबिन्स कंपनी को सौंपा गया जो बोरिंग मशीन बनाने के एक्सपर्ट है। कंप्लीट होने के बाद ये मशीन 800 फीट लंबी और 1500 टन वजनी होगी। इसका डायमीटर 50 फीट होगा जिसके आगे टंगस्टन कार्बाइड के कई 100 तेज धार ब्लेड्स लगे होंगे। इसमें लगे हाइड्रोलिक लेग्स इसको आगे की तरफ धकेलेगी। मिट्टी और टूटे हुए पत्थरों का मलबा बाहर निकालने के लिए मशीन में ही एक कन्वेयर बेल्ट लगा होगा जो मलबे को सर्विस ट्रेन तक लेकर जाएगा और फिर ये ट्रेन मलबे को टनल से बाहर ले जाएगी। ये टनल बोरिंग मशीन अपने आप में ही एक अजूबा थी।
पुरानी टेक्निक जिसमें पहाड़ों के अंदर ब्लास्ट करके टनल बनाया जाता था, उसके मुकाबले में ये मशीन डेवलपर्स के लिए एक बहुत बड़ी चीज थी। पर ये नई टेक्नोलॉजी अपने साथ ढेर सारे खतरे भी लेकर आई। समंदर के बॉटम से भी 250 फुट नीचे बोरिंग के दौरान अगर कहीं से पानी लीक हो गया तो उसका प्रेशर इतना ज्यादा होगा कि वो सैकड़ों में इंसान और मशीन दोनों को खत्म कर देगा। सर्वे से मालूम पड़ा कि इंग्लैंड साइड के समंदर के नीचे चौक की लेयर मौजूद है जो पानी की लीकेज को टनल में आने से रोक पाएगी, पर फ्रेंच साइड पे समंदर के नीचे जमीन पे काफी क्रैक्स है जहां ये टीबीएम काम नहीं कर पाएगी। उसके लिए अलग से एक नई टीबीएम बनाने का फैसला किया गया जो टनल बोरिंग के साथ साथ एक सबमरीन भी होगी। ये पानी का उतना प्रेशर बर्दाश्त कर पाएगी जितना वर्ल्ड वॉर टू की सबमरीन कर पाती थी। जब ये मशीन तैयार हुई तो ये अपने साथ एक नया चैलेंज लेकर आई, जमीन से 200 फीट नीचे इसको पहुंचाया कैसे जाए। इस काम के लिए मशीन को डिसअसेंबल किया गया और एक एक पीस अलग से नीचे पहुंचाया गया। इसको जमीन के अंदर जाकर दोबारा से असेंबल करना था जिसमें कई महीने और लाखों डॉलर का खर्चा लग गया। प्रोजेक्ट को स्टार्ट हुए 2 साल गुजर चुके थे। 1988 में फाइनली दोनों साइडों पे खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। मिट्टी और पत्थरों के मलबे की इतनी ज्यादा क्वांटिटी को डिस्पोज ऑफ करना भी अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। एक दिन में यह मशीन 750 स्क्वायर फीट पत्थरों को काट रही थी और सिर्फ एक घंटे में 2400 टन जितना मलबा जमा होता जा रहा था। इंग्लैंड वाली साइट पर इस मलबे को फॉक्सटोन और डॉवर के बीच में शेक्सपियर क्लिफ के नीचे डालकर सैम फायर हो नामी पे कंट्री पार्क बनाया गया था और इसी वजह से यह कोस्टल लाइन से थोड़ा बाहर निकला हुआ है। फ्रेंच साइट से इकट्ठा होने वाला मलबा कीचड़ की फॉर्म में था जिसको सन गेट के करीब एक वैली में डालकर एक आर्टिफिशियल लेक बनाई गई। एक तरफ इतना ज्यादा मलबा टनल से बाहर निकाला जा रहा था तो दूसरी तरफ अंदर लेकर जाने वाले सामान भी काफी ज्यादा थे। जैसे जैसे टीबीएम बोर करता जा रहा था उसी स्पीड से लूज रॉक और चौक की लेयर को सील करना भी बहुत जरूरी था, क्योंकि अगर ऊपर समंदर के पानी ने टनल का रास्ता बना लिया तो फिर उसको रोकना नामुमकिन होगा। इस काम के लिए टनल के साइज जितने गोल कंक्रीट स्लैब्स फिट किए जा रहे थे, ये कंक्रीट न्यूक्लियर प्लांट्स में लगने वाले कंक्रीट से भी ज्यादा मजबूत है। रेनफोर्स्ड स्टील से बने चैनल टनल में करीब 750,000 कंक्रीट के स्लैब्स इस्तेमाल हुए। इन स्लैब्स की एक पूरी रिंग का वजन 40 टन के बराबर है, यानी ये टोटल इतना ही कंक्रीट है जिससे 8 बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग्स बनाई जा सकती है। इनको सर्विस ट्रेन में डालकर टनल तक पहुंचाया जाने लगा जहां एक स्पेशल मशीन थी जो इनको अपनी जगह पे फिट करती जा रही थी। कई हफ्ते गुजरते गए और फिर महीने, दोनों तरफ से टनल आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जा रहा था। सबको सिर्फ एक ही चीज का इंतजार था कि कब ये दोनों टनल्स आपस में मिलेंगे। लेकिन ये काम जितना देखने में और सुनने में आसान लग रहा है, हकीकत में काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। दोनों टीबीएम अगर ठीक पोजीशन में आगे नहीं बढ़ेगी तो जाहिर है दोनों टनल समंदर के नीचे एक दूसरे से कभी नहीं मिल पाएंगे। इस मसले के सॉल्यूशन के लिए लेजर बीम गाइडेंस सिस्टम यूज किया जा रहा था। एक लेजर इंग्लैंड वाली मशीन में लगा था तो दूसरा फ्रेंच मशीन में। दोनों गाइडेंस सिस्टम आपस में एक दूसरे से वायरलेसली कनेक्टेड थे। जब भी कोई एक मशीन अपनी पोजीशन बदलती तो गाइडेंस सिस्टम मेन कंप्यूटर को सिग्नल भेजकर हाइड्रोलिक जैक से बोरिंग मशीन के हेड की पोजीशन चेंज करवा देता था, जिससे दोनों टनल्स वापस से एक दूसरे के साथ अलाइन हो जाते थे। ये गाइडेंस सिस्टम सही से काम कर भी रहा था कि नहीं, इसको कंफर्म करने के लिए आखिरी 100 मीटर के फासले पर दोनों मशीन बंद कर दी जाएंगी और फिर अगली साइड पे एक स्टील रोड भेजकर कंफर्म किया जाएगा कि वाकई दोनों टनल्स की पोजीशन एक्यूरेट है कि नहीं। 3 साल के लगातार बोरिंग के बाद आखिरकार अब वो वक्त आ चुका था जब बीच का फासला सिर्फ 100 मीटर रह गया और प्लान के मुताबिक एक स्टील रोड भेजी गई। दोनों टनल्स की पोजीशन ऑलमोस्ट एक्यूरेट थी, सिर्फ इनमें 10 इंच का डिफरेंस था जो कि अलाउड लिमिट में ही आता है। अब इंजीनियरिंग टीम का सबसे बड़ा और सबसे कड़ा इम्तिहान था, दोनों टीबीएम में से एक को सुसाइड कराना बहुत जरूरी था। जी हाँ, क्योंकि दोनों टनल्स में 2 फुट मोटे कंक्रीट स्लैब्स लग चुके थे, यानी टनल का डायमीटर 50 फीट से कम होकर अब 46 फीट बचा था और बोरिंग मशीन का डायमीटर 50 फीट था। काम खत्म होने पर 50 फीट बड़ी मशीन 46 फीट की टनल में से वापस तो बाहर आ नहीं सकती, इसीलिए इस मसले का सोल्यूशन ये निकाला गया कि दोनों में से एक मशीन को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसको इंजीनियर्स मैकेनिकल सुसाइड कहते हैं। तो ये बलि चढ़ाई गई इंग्लैंड वाले टीबीएम पर। इसका एंगल चेंज करके इसको जमीन की तरफ किया गया
और कई सौ फीट नीचे जाने के बाद इसको वहीं छोड़ दिया गया जहां आज तक ये दफन हुई पड़ी है। अब कंस्ट्रक्शन का फाइनल मोमेंट करीब आ चुका था। फ्रेंच टीबीएम आगे बढ़कर फाइनली इंग्लैंड टनल से जा मिला और यहां पहुंचकर फ्रेंच टीबीएम को डिसअसेंबल करके बाहर निकाल लिया गया। अब आप सोच रहे होंगे कि डिसअसेंबल तो इंग्लैंड टीबीएम को भी किया जा सकता था, तो फिर उसको दफन क्यों किया? असल में बोरिंग मशीन को डिसअसेंबल करने में जितना खर्चा हो रहा था उससे कम खर्चे में नई मशीन तैयार हो जाती, इसलिए कंपनी पहले देखती है कि उनको कौन सा ऑप्शन कम नुकसान देगा। इसी तरह यह फैसला किया जाता है कि इसको हमेशा हमेशा के लिए दफन करना है या फिर वापस बाहर निकालना है। 13,000 सालों में पहली बार दोनों कंट्रीज के दरमियान दोबारा से लैंड कनेक्शन बनने जा रहा था। इस इवेंट के लिए जितने भी वर्कर्स काम कर रहे थे, हर कंट्री का एक एक वर्कर चुना गया। उन्होंने आखिरी चौक की लेयर को मैन्युअली जैक हैमर से तोड़ा और मीडिया इवेंट के लिए एक दूसरे से फ्लैग्स एक्सचेंज किए। हजारों साल पहले एक ग्लेशियर्स की वजह से जुदा होने के बाद फाइनली अब इंग्लैंड और फ्रांस दोबारा से जुड़ चुके थे, जिसको सेलिब्रेट करने के लिए जश्न मनाया गया। कई सालों के खून पसीने की मेहनत आखिरकार रंग ला चुकी थी। फिनिशिंग का काम कंप्लीट करने के बाद 6 मई 1994 को फाइनली चैनल टनल को ओपन कर दिया गया। इस प्रोजेक्ट में होने वाले खर्चे को अगर आज की डेट में एडजस्ट किया जाए तो ये 12 अरब पाउंड यानी 1190 अरब रुपए बनते हैं। कंस्ट्रक्शन के पीक पर चैनल टनल में 13,000 वर्कर्स काम करते थे, जबकि 10 वर्कर्स काम के दौरान मारे भी गए। इस पूरे प्रोजेक्ट में टोटल 3 टनल्स हैं, 2 ट्रेन्स के लिए और एक छोटा टनल बनाया गया है जिसको इमरजेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। आज हर रोज करीब 60,000 पैसेंजर्स इस टनल को इस्तेमाल करते हैं, जिसमें 4,600 ट्रक्स, 140 कोचिस और 7,300 गाड़ियां भी शामिल है, जिनको कार्गो ट्रेन में पार करके टनल क्रॉस करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसे ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।